तो यार आज हम लोग देखेंगे कि एक चीज़ को हम लोग सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और डिफरेंट वेरिएबल्स को हैंडल कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यार कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो तुम लोग को आनी चाहिए। अब वो क्या है यार, सबसे पहले तो देखो जो तुम्हारे नंबर्स होते हैं ना मैथ्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 है, तो ये 4 नंबर तो है हमारा, लेकिन मैथ्स में ना हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट यानी नंबर्स, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, कॉन्स्टेंट का मतलब है नंबर्स। फिर ये जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ए, वैसे तो ये अल्फाबेट है लेकिन मैथमेटिशियन ने इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो ए जो है ये है हमारा वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब है कि हमारा अल्फाबेट है। फिर तीसरी चीज, जो छोटे से नंबर लगे हुए ना, जैसे यहाँ ये नंबर 2 ये ए पे लगा हुआ है, ये नंबर 2 का मतलब स्क्वायर है, पावर है। वैसे तो ये पावर है लेकिन मैथमेटिशियन इसको बोलते हैं इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब है पावर। एक और चीज देखो, यहाँ 4 के साथ, यहाँ जो 4 है ये आपका ए के साथ लगा हुआ है, तो अगर मैं 4 को डिफाइन करूँ ना, तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, वैसे तो 4 कॉन्स्टेंट है लेकिन ए के साथ क्योंकि लगा हुआ है ना ये, तो मैं इसको बोलता हूँ कि 4 जो है ये मेरा कोफिशियंट है ए का। तो 4 को हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉन्स्टेंट है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि 4 इज कोफिशियंट ऑफ ए। पहले लिख लेते हैं 4 इज कोफिशियंट ऑफ ए। तो यार ये 4 टर्मिनोलॉजीज हैं जो आज से हम लोग यूज करेंगे। कोई भी नंबर होगा हम लोग उसको बोला करेंगे कॉन्स्टेंट, कोई भी अल्फाबेट होगा हम लोग उसका बोला करेंगे वेरिएबल। अगर तो हम एक चीज को दूसरे के रिलेशन में एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक नंबर फॉर एग्जाम्पल एक अल्फाबेट के साथ लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि 4 इज कोफिशियंट ऑफ ए। और जो छोटे नंबर लगे होते हैं ये होती है हमारी पावर, लेकिन हम लोग इसको रेफर करेंगे एज इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली किसी सिंगुलर पावर को रेफर करता है, और इंडेक्स का प्लूरल है इंडाइसिस, और इंडाइसिस का चैप्टर हम आगे जाके प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहली चीज, आपको अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो डिफरेंट वेरिएबल्स की करनी हो, यानी दो डिफरेंट अल्फाबेट्स की करनी हो, तो ना उसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स के बगैर हम लोग इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज यार देखो, अगर दो डिफरेंट वेरिएबल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो ना, तो एक चीज याद रखना कि दो वेरिएबल्स आपस में ऐड जब भी हो सकते हैं जब वो सेम हो, यानी अल्फाबेट सेम हो, और सेकेंड चीज उस पर पावर भी सेम हो। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है ए, ए लिखा हुआ है और दूसरा भी ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर कोई पावर नहीं है तो पावर 1 होगी, यहाँ कोई पावर नहीं है तो पावर 1 होगी, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो देखो ए डिफरेंट वेरिएबल है, बी डिफरेंट वेरिएबल है, हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। अगर लिखा हुआ है ए प्लस ए स्क्वायर, तो भले वेरिएबल तो सेम है ए और ए स्क्वायर, लेकिन मसला पता है क्या है, मसला ये है कि एक ए पे पावर 1 है और दूसरे ए पे पावर स्क्वायर है, पावर भी सेम होनी चाहिए और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, तो हम इन्हें भी ऐड नहीं कर सकते। ये पहली चीज। सेकेंड चीज, जब भी वेरिएबल्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी ना, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का कोफिशिएंट चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का कोफिशिएंट चेंज होता है, इसके अलावा पावर चेंज नहीं करोगे तुम लोग। ये अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो तुम लोगों को समझ आएगा कि बोला क्या है मैंने। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। बेसिकली हमारा लिखा हुआ था, ए प्लस ए, तो कोई नंबर नहीं लगा हुआ, यानी कोई ए का भी कोफिशियंट नहीं है, तो हमें पता है कि ए का कोफिशियंट 1 है। तो देखो इधर भी ए है, इधर भी ए है, यहाँ पे भी ए की पावर 1 है, यहाँ पे भी ए की पावर 1 है, इसका मतलब हम इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम इस पर टिक लगा लेते हैं, 1a+1a, कोफिशियंट को कोफिशियंट से ऐड कर दो, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से ऐड कर दो, 1+1 हो जाएगा 2a, इसका आंसर आ जाएगा। बेसिकली हुआ पता क्या, हमने एक चीज देखी, अगर हम ऊपर डेफिनेशंस पर चलें तो क्या लिखा था, अ वेरिएबल कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद अनदर वेरिएबल ओनली इफ दे आर सेम। तो यहाँ पे ए और ए सेम था, एज वेल एज देयर द पावर ऑन इट, तो यहाँ पे इन पे पावर भी सेम थी। फिर हमने बोला कि ओनली द कोफिशियंट ऑफ अ वेरिएबल चेंजेस, कोफिशियंट यहाँ पे ए का 1 था, यहाँ पे ए का कोफिशियंट 1 था, और यहाँ पे क्या हो गया 2, तो हमने यही बोलता कि ओनली द कोफिशियंट ऑफ अ वेरिएबल चेंजेस व्हेन दे आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यहाँ कोफिशियंट 1 था, यहाँ कोफिशियंट 1 था, यहाँ 2 हो गया, और पावर नेवर चेंजेस व्हेन टर्म्स आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे भी यार ए की पावर 1 थी, यहाँ पे भी ए की पावर 1 थी, यहाँ पे भी ए की पावर 1 थी। सेकेंड क्वेश्चन पे आओ, 2b+3b, यार अल्फाबेट भी सेम है और इस पे पावर भी सेम है, इसका मतलब हम इन्हें
ऐड कर सकते हैं, यानी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 + 3 हो जाएगा 5, और 5 भी इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पे आओ, 2 + 2c। यार यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है ही नहीं, हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, हम इन्हें सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बोला है कि वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, तो ये हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर 4d + 3d, यार भले ये सुनने में सेम है 4d और 3d, लेकिन दो वेरिएबल सेम पता है कब होते हैं, या तो दोनों स्मॉल हो या दोनों कैपिटल हो, ये नहीं बोल सकते कि हम कैपिटल डी और स्मॉल डी सेम है, तो हम इसे भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और इसकी भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर 8e² + e, देखो अल्फाबेट भले सेम हो, अल्फाबेट सेम है लेकिन पावर इस पे 2 है और इस पे पावर 1 है, पावर सेम नहीं है ना, तो हम इन्हें ऐड फिर से नहीं कर सकते, तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसकी सॉल्यूशन कोई एग्जिस्ट नहीं करती। फिर a + b, यार ये तो बगैर बहस की है, दोनों वेरिएबल्स ही डिफरेंट है, हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, तो ये आपका कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड एंड इट हैज़ नो सॉल्यूशंस। फिर b² - b³, यार यहाँ पे b की पावर 2 है, यहाँ पे b की पावर 3 है, डिफरेंट पावर्स ऐड नहीं हो सकती, तो इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड एंड हैंस देयर इज नो सॉल्यूशन। लास्ट 3c², और यहाँ पे लिखा हुआ था -c², तो हमने देखा कि यार c² का कोई कोफिशियंट नहीं है ना, तो हमें पता है 1 होगा, और यहाँ पे वेरिएबल सेम है सी, और उस पर पावर भी सेम है सी, तो वेरिएबल तो हमारा सेम है, पावर भी सेम है, तो हम लोग कोफिशियंट जो हमारा कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट में से कॉन्स्टेंट को माइनस कर देंगे, जो 3 - 1 = 2, 2c² का आंसर आ जाएगा, और यस ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अच्छा जी, खैर हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, ए मल्टीप्लाई बाय ए। यार देखो सबसे पहली चीज, यहाँ दोनों एज के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो हमें पता है 1 लगा हुआ होगा, 1a multiply by 1a। कोफिशेंट को जब कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1 1 जा आपका 1 ही होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अच्छा a multiply by a, यहाँ पे देखो a की पावर 1 है, यहाँ पे भी a की पावर 1 है, तो सेम वेरिएबल जब मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, तो उनकी पावर्स ऐड हो रही होती हैं, तो a multiply by a आपका बन जाएगा a² तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर आएगा। सेकंड पे आ जाते हैं, a multiply by a² अब देखो यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, तो 1 हम लोग खुद लगा लेते हैं, 1 multiply by 1, 1 तो हमारा ऑब्वियस ही बात है आएगा, और फिर यहाँ पे a की पावर स्क्वायर थी, यहाँ पे a की पावर कुछ भी नहीं तो मतलब 1 है, तो a की पावर 2 + 1, तो ये हो जाएगा a³, इसका आंसर आएगा 1a³। फिर इधर आ जाओ, 2a multiply by 4a, यार 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ए को ए से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा होता है आपका 8, और a multiply by a आपका होता है a², और ये क्यों हुआ, क्योंकि ए पे यहाँ पे भी पावर 1 थी, यहाँ पे भी पावर 1 थी, मल्टीप्लाई हो जाए तो पावर इनकी ऐड हो गई होगी। a multiply by b, देखो वेरिएबल डिफरेंट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई ना, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई के साइन के बगैर लिख लो ab, ये इसका आंसर आ जाएगा। 2b/b², देखो पहले नंबर के साथ, पहले वेरिएबल के साथ तो कोफिशिएंट 2 है, दूसरे के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमें पता है कि 1 होता है, तो इस पे हम लगा देंगे b के साथ 1, 2/1 हमारा 2 ही रहेगा, b² / b, यहाँ पे b² है, यहाँ पे b की पावर 1 है, तो जब भी सेम वेरिएबल डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर माइनस हो जाती है, यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ पे पावर 1 थी, तो 2 - 1 हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 ही रह जाएगा, जिसको मेंशन नहीं करते, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2b। आगे चलते हैं, अच्छा जी यार ये पहला वाला कॉलम तो सिंप्लीफाई वाला था, तो इसको मैं टिक लगा रहा हूँ सब पे कि ये सिंप्लीफाई सब हो सकते हैं। अच्छा 8c² / 4d³, पहले तो काम करते हैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, 8c² / 4d³। अब देखो वे कांस्टेंट को कांस्टेंट से हम लोग डिवाइड जब करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बाकी ऊपर c² है, नीचे d³ है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वेरिएबल सेम होती तो हम लोग पावर माइनस कर देते, लेकिन क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है, तो हम लोग इसको एज इट इज छोड़ देंगे, और इसका आंसर आ जाएगा 2c² / d³। फिर
बी डिवाइड बाई सी, बोलो। कांस्टेंट ऐसे ऐसे नंबरों डिवाइड ना हो सके फिर। तो फिर उन्हें तुम वैसे ही छोड़ दोगे, ओके बी डिवाइड बाई सी। यार वेरिएबल डिफरेंट है तो हम इसका कुछ कर नहीं सकते। अगर ये मल्टीप्लाई होते बी मल्टीप्लाई बाई सी तो हम इसको लिख देते बी सी। बी डिवाइड बाई सी है ना, तो हम लोग सिंपली इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, और फ्रैक्शन फॉर्म हमारी क्या होगी, बी ओवर सी। ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर इधर आ जाओ, 3c² डिवाइड बाई c² पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हम लिखें, 3c² डिवाइडेड बाई 6c². सबसे पहले तो वेरिएबल पे आ जाओ, ऊपर भी c² है, नीचे भी c² है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, वेरिएबल जब सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो अगर हम देखें तो c की पावर 2 माइनस 2 ख़त्म हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये माइनस करने के बजाय हम लोग सिंपली इनको कट कर देंगे, क्योंकि सेम थे तो कट कर दिया। बाकी हम कोफिशेंट को सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। एक चीज को इक्वेशन हम जब बोलते हैं जब उस पर इक्वल्स टू का साइन लगा हो और उसकी एक राइट हैंड साइड हो, मतलब RHS, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड हो, तब जाके हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये हमारी ना एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन को डील कैसे करना है, उसकी कुछ चीजें हैं। देखो सबसे पहली चीज, अगर इक्वेशन के एक साइड पे एक टर्म ऐड हो रही हो, जैसे इस क्वेश्चन में देखो तो x+2 है, यहाँ पे x भी ऐड हो रहा है और 2 भी ऐड हो रहा है, तो अगर एक चीज इक्वेशन के एक साइड पे ऐड हो रही हो, अगर तुमने उसको दूसरी साइड पे भेजना हो, यानी इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे, अभी ये लेफ्ट हैंड साइड पे, तुमने अगर इसको भेजना हो राइट हैंड साइड पे, तो पता होगा क्या, ये +2 को अगर हम दूसरी साइड पे भेजें ना तो ये -2 हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर आएगा x=0 -2। 0 में से -2 करेंगे तो बेसिकली हमारा आंसर रह जाएगा x=-2। ये चीज हमने ऊपर लिखी थी, वॉट एवर इज बींग एडेड ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन विल बी सब्ट्रैक्टेड व्हेन शिफ्टेड टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। देखो साइन जब भी चेंज होगा, जब तुम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे भेजो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे भेजो, तब साइन चेंज करना। ये अभी बात याद रखना, हम आगे इस पर ना थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा सेकेंड चीज, अगर इक्वेशन के एक साइड पे एक टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हो, जैसे यहाँ पे x-2 हो रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर हम उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे भेजेंगे ना तो वो ऐड हो जाता है। तो ये होगा क्या, सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करें तो x=0+2, तो इसका आंसर आ जाएगा x=2। अब देखो ऊपर हमने लिखा भी यही था, वॉट एवर इज बींग सब्ट्रैक्टेड ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन विल बी एडेड व्हेन शिफ्टेड टू द अदर साइड। देखो जो चीज एक साइड पे प्लस हो रही हो उसको दूसरी साइड पे भेजोगे तो माइनस हो जाएगी, एक चीज जो एक जगह पे माइनस हो रही हो उसकी दूसरी जगह पे भेजोगे तो प्लस हो जाएगी। फिर तीसरी चीज पे आते हैं, देखो अगर दो वेरिएबल्स, कोई भी दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे यहाँ पे 4 और x लिखा हुआ है, तो बेसिकली पता है हुआ क्या होगा, ये लिखा होगा 4 मल्टीप्लाई बाय x और हमने इसको एक साथ लिख दिया होगा 4x, तो ये दो टर्म्स ना आपस से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर इसमें से मैं एक भी टर्म को दूसरी साइड पे भेजूंगा ना, तो इधर वो मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 उधर जाके 8 के साथ डिवाइड होगा, 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो एक्स का आंसर आ जाएगा 2। हमने ऊपर लिखा भी यही था कि वॉट एवर इज बींग मल्टीप्लाइड ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन विल बी डिवाइडेड व्हेन शिफ्टेड टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। फिर चौथी चीज, देखो अगर एक साइड की इक्वेशन पे आपकी दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो, जैसे यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है एक्स के साथ, अगर इस 4 को मैं इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे भेजूंगा ना, तो यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है, इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपली इसको हम लोग कर लेते हैं, x=2 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो एक्स का आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8। हमने लिखा भी यही था, वॉट एवर इज बींग डिवाइडेड ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड व्हेन शिफ्टेड टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। अच्छा ये बड़ी बेसिक सी चीजें थी, सिर्फ मैं रिवाइज करवाना चाहता क्या, ताकि हमें आगे सब्जेक्ट बनाने में आसानी हो। अच्छा एक मिनट मैं जरा इसको चेंज करूँ। हाँ स्क्वायर रूट, अच्छा इसको बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज यार, अगर आपका क्वेश्चन में स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर रहा हो ना, यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट यानी यहाँ पे ना 2 लगा हुआ होगा जिसको हम मेंशन नहीं करते, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी रूट थी 2 से ही होती है, तो इसका हटाने के लिए ना
हम लोग दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट एक्स था और इक्वल टू 2 था, तो इस रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका रह जाता है एक्स इक्वल टू 2 स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब हमें पता है कि अगर किसी भी चीज़ पे लग जाए तो उसका मतलब होता है कि बेस जो है इसकी ये आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होती है, तो 2 2 4 आंसर आ जाएगा इसका, अंडर रूट एक्स इक्वल टू 3 है। तो अब देखो वर्किंग करने के बजाय हम लोगों को सीखा क्या है कि अंडर रूट एक्स है ना, इस अंडर रूट को जब हटाएंगे ना तो दूसरी साइड पे आपका स्क्वायर लग जाएगा, तो ये इसका आंसर आपका बनेगा एक्स इक्वल टू 3 स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब है 3 आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 3 ज़ा आपका बन जाएगा सिक्स 9, नहीं 3 2 ज़ा नहीं है, ये गलती नहीं करना। पावर्स का मतलब है कि जो नीचे जिस पे पावर लगी हुई है ना, ये चीज़ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो 3 3 ज़ा 9, ये इसका आंसर आएगा। ओके सर, समझ अच्छा गया। अब इधर आओ देखो, अगर एक जगह पे स्क्वायर लगा हुआ हो ना, एक जगह पे स्क्वायर लगाओ और इसको तुमने हटाना हो, तो इसको हम पता है करते क्या है, पहले इसकी वर्किंग कर लेते हैं फिर देखते हैं हमने इसको करना कैसे। स्क्वायर लगा हुआ है, जैसे हमने स्क्वायर रूट हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर किया था, अब स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट करेंगे, तो हमारे लिखा होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, इसको जब हम रूट करेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9। और यार क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 होता है परफेक्ट स्क्वायर 3 का, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल टू ±3। ये तो था हमारी प्रॉपर वर्किंग, लेकिन हमने लिखा क्या, हमने लिखा है अ स्क्वायर व्हेन शिफ्टेड ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, एक स्क्वायर को जब डील करना हो और उसको हमने दूसरी साइड पे भेजना हो, इट बिकम्स अ स्क्वायर रूट। तो देखो सिंपली जब भी स्क्वायर लगा हुआ हो ना, ये वाली वर्किंग करने के बजाय तुम लोग करोगे क्या, सिंपली स्क्वायर को यहाँ से हटाओगे और दूसरी जगह पे स्क्वायर रूट लगा दोगे, ये तुम लोगों ने करना है और डायरेक्ट ये वाला आंसर दे दोगे। अगर तो तुम लोग पहले तो एक चीज़ याद कर लो, इक्वल्स टू के एक राइट हैंड साइड पे चीज़ें होती हैं और इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ें होती हैं। अभी जो हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं ना, जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट स्क्वायर, ये सारी चीज़ें जब भी होती हैं जब तुम या तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे चीज़ भेजो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड पे चीज़ भेजो, अगर सेम साइड पे चीज़ें आगे पीछे कर रहे हो ना तो तुम लोग साइन कभी चेंज नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स की 2 टर्म्स हैं, एक माइनस एक्स है एक 5x है, तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 5x, और विदाउट एक्स वाली 2 टर्म्स हैं +3 +5, +3 +5, ये हमने इक्वेशन की एक साइड को अरेंज किया है। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड वाली पे नॉन एक्स की 2 टर्म्स हैं, एक 16 है और एक -2 है, 16 -2, और नॉन एक्स की एक ही टर्म थी जो एक्स थी। अब देखो हमने टर्म्स को सिर्फ आगे पीछे किए, उनको लाइकली टर्म्स को अरेंज किया है, शिफ्ट नहीं किया दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे भी +5x था, इधर भी +5x है, यहाँ पे भी -x था, यहाँ पे भी -x है, इधर भी +5 था, इधर भी +5 है, इधर भी +3 था, इधर भी +3 है, तो सेम साइड पे जब शिफ्टिंग कर रहे हो ना तो कभी भी साइन चेंज नहीं करना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। खैर इन 2 टर्म्स को हम आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन 2 टर्म्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन 2 टर्म्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो -x + 5, माइनस प्लस इज माइनस, अभी यहाँ एक्स के साथ कोई नंबर नहीं लगा तो 1 लगा होगा, 5 -1 इज 4x, साइन आएगा बड़े नंबर का प्लस, वो हम मैंशन नहीं करते, +3 + 5, ++ इज +5 + 3 इज 8, साइन आएगा बड़े नंबर का, इक्वल टू 16 -2, 16 -2 होता है 14 + x। अब देखो तुम लोगों ने करना क्या है, तुम लोगों ने एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, अभी इस चीज को हम यहीं पे छोड़ दें, पहले हम सब्जेक्ट बनाना सीखेंगे उसके बाद हम इस क्वेश्चन को फिर कंटिन्यू करेंगे। तो सब्जेक्ट ना हम वेरिएबल्स को बनाते हैं, यानी अल्फाबेट्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, और सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि उस वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक इक्वेशन है ना, 4x + 8 = 14 + x, वेरिएबल सिर्फ एक ही है x, तो सब्जेक्ट हम ना यहाँ पे x को बनाएंगे और x इक्वल टू समथिंग समथिंग आ रहा होगा, वो x की वैल्यू होगी, इस चीज़ को हम कहते हैं सब्जेक्ट बनाना। अब किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट अगर बनाना हो ना तो उसकी 3 कंडीशंस होती हैं, पहली कंडीशन ये कि
कि वो अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ना एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव एक्स नहीं होगा। सब्जेक्ट हमारा जब ही होता है जब हमारा वेरिएबल पॉजिटिव हो। दूसरी चीज, इक्वेशन की भले राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड हो, अगर तो आपका वेरिएबल इधर एग्जिस्ट कर रहा है, अरे हट क्यों गया, LHS इक्वल्स टू RHS, अगर तो वेरिएबल आपका राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिर एक्स ही होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स ही होना चाहिए। एक्स के अलावा कोई टर्म इसके साथ ऐड नहीं होनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट बनाने की दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त, हमारा जो सब्जेक्ट है ना, एक चीज़ हमारी कहलाती है न्यूमरेटर, एक चीज़ हमारी कहती है कहलाती है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर। आपका सब्जेक्ट एक चीज जब ही कहलाएगी जब वो न्यूमरेटर में होगा। अगर वो डिनोमिनेटर में है ना, भले अकेला भी हो, तो वो सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। सबसे पहले मैंने यही लिखा है, अ वेरिएबल इज सेड टू बी अ सब्जेक्ट व्हेन इट इज पॉजिटिव। सब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, अकलौता होना चाहिए और न्यूमरेटर में होने चाहिए। ये तीन कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अब देखो यार, सबसे पहली चीज, टाइम कितना रह गया मीटिंग में, 5 मिनट। चलो ये थ्योरी करते हैं, फिर क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे। क्या कह रहा है, देखो कभी भी किसी चीज को सब्जेक्ट बनाना हो ना, तीन चार स्टेप्स हैं, और जब तुम लोग उन तीन चार स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सब्जेक्ट बनाने का सबसे पहला स्टेप ये है, अगर तो आपकी इक्वेशन में कोई ब्रैकेट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करके ब्रैकेट खत्म ही कर दो। सबसे पहले ब्रैकेट तुम लोग खत्म करोगे, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आओगे। क्या लिखा है, ऑलवेज सिंप्लीफाई द ब्रैकेट फर्स्ट इफ एनी। अगर तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर तुम लोग को कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम लोग सेकंड स्टेप पे आ सकते हो। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप हमारा ये होता है, जब आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट्स खत्म हो जाएं, सेकंड पे आपने क्या करना है कि अगर तो आपका क्वेश्चन में डिनोमिनेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो हमने डिनोमिनेटर को खत्म करना है, किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर को खत्म करना है। तो सेकंड स्टेप मैंने क्या लिखा है, ऑलवेज डील विद डिनोमिनेटर फर्स्ट एंड मेक श्योर देयर इज नो डिनोमिनेटर लेफ्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को डील करते हैं, ब्रैकेट्स को खत्म करते हैं, फिर हम लोग डिनोमिनेटर्स को खत्म करते हैं। जब हमारी ये दो काम हो जाएंगे, ब्रैकेट हटा दिए, डिनोमिनेटर हटा दिया, फिर आखिरी स्टेप, यार जब तुम लोग ये करोगे ना, तो आखिरी में दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो जो आपका वेरिएबल है उसके साथ कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी या मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो सबसे पहली चीज, जो वेरिएबल के साथ हमारी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी ना, उसको हम दूसरी साइड पे भेजते हैं। क्या लिखा है, शिफ्ट द टर्म्स डेट आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन द अदर साइड। ये हम लोगों का सबसे पहला काम होगा डिनोमिनेटर खत्म करने के बाद, कि जो भी टर्म्स हमारी वेरिएबल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी उन्हें हम दूसरी साइड पे भेजेंगे। जब ये काम कर लेंगे तो चौथा स्टेप जो है ना हमारा, वो ये है कि एंड में अगर 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 कोई चीज आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, उसको हम दूसरी साइड पे भेज देंगे। क्या लिखा है, एट लास्ट कन्वर्ट द टर्म डेट इज बीइंग मल्टीप्लाइड ऑन टू द अदर साइड। तो यार ये चार स्टेप में ना आपका सब्जेक्ट बन जाता है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन से ब्रैकेट्स खत्म करने हैं बॉड मास के रूल्स के हिसाब से। सेकेंड चीज, हमने क्वेश्चन से डिनोमिनेटर खत्म करना है। थर्ड चीज, हमने क्वेश्चन में आपकी एक साइड पे वेरिएबल के साथ जो चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो खत्म करनी है दूसरी साइड पे भेज के, और एट लास्ट जो चीजें आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं उसे दूसरी साइड पे भेजना है। और फिर अब हम जरा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई इक्वल्स टू x+3 डिवाइडेड बाय 8। यार एक चीज याद रखना, ये x+3 ना आपका ब्रैकेट में, और फिर क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 8। अगर कोई टर्म्स आपकी ब्रैकेट में है और फिर डिवाइड का साइन लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये पूरी जो टर्म है x+3, इसके साथ 8 डिवाइड हो रहा है। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन में ये गलती कभी ना करना। तो हमने यहाँ पे एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। यार सबसे पहली चीज, ये हमारा कोई ब्रैकेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारा पहला स्टेप यहाँ खत्म हो जाता है। सेकेंड चीज, यहाँ पे 8 है, डिनोमिनेटर आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, ये 8 भी ना ऊपर वाली दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग इसको पता है क्या करेंगे, 8 यहाँ पे दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे भेज के मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये हो जाएगा 8y इक्वल्स टू x प्लस 3। हमने डिनोमिनेटर भी ख़त्म कर लिया। तीसरी चीज़ क्या करते हैं, तीसरी चीज़ हम करते हैं कि अगर तो आपके वेरिएबल यानी x के साथ कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उसे दूसरी साइड पे भेज दो। तो यहाँ पे +3 हो रहा था, इसको हम दूसरी साइड पे माइनस कर देंगे। 8y माइनस 3 इक्वल्स टू x। यहाँ पे हमारा x अकलौता हो गया। अच्छा एक चीज़, x अकलौता तो हुआ है, तीन चीज़ें याद रखना, ये न्यूमरेटर में होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये अकलौता होना चाहिए। ये अभी न्यूमरेटर में भी है, पॉजिटिव भी है और ये अकलौता भी है। तो हम बोलेंगे हाँ भाई कि x हमारा सब्जेक्ट बन गया और x की वैल्यू ये है। अच्छा जी, सेकेंड क्वेश्चन पे आओ। y इक्वल्स टू x प्लस 3 डिवाइड बाई 8। अब अगर तुम लोग नोट करो, इधर भी y इक्वल्स टू x प्लस 3 डिवाइड बाई 8 था, इधर भी y इक्वल्स टू x प्लस 3 डिवाइड बाई 8 था। फर्क क्या है, यहाँ पे x+3 ब्रैकेट में लगा हुआ था, इसका मतलब है 8 जो था ना x+3 के साथ डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है सेकेंड क्वेश्चन में, यहाँ पे है x+3 डिवाइड बाई 8, और 8 पता है किसके साथ डिवाइड हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3 के साथ। यानी हमारा क्वेश्चन पता है क्या लिखा हुआ है, हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू x+3 डिवाइडेड बाई 8, और x के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। अब देखो यहाँ पे हम इस चीज को ना सॉल्व करने के दो तरीके देखेंगे। सबसे पहला तरीका, यार देखो 8 ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टर्म के साथ है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली 8 को दूसरी साइड पे नहीं भेज सकते। अगर आपको डिनोमिनेटर को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना हो ना, तो उसके लिए लाजमी बात है कि वो हर टर्म के नीचे हो। तो यहाँ पे 8 को हम सिंपली यहाँ पे वाई के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम पता क्या करेंगे, एक तरीका ये होता है कि अगर हम लोग इस पूरे फ्रैक्शन को दूसरी साइड पे भेजें ना, तो ये हमारा काम कर देगा। यहाँ पे +3/8 है, दूसरी साइड पे आके हो जाएगा -3/8 इक्वल्स टू x। यहाँ पे x हमारा इकलौता भी हो गया, पॉजिटिव भी है और सब्जेक्ट भी है, लेकिन यहाँ पे काम हमारा खत्म नहीं होता। यहाँ पे देखो तुम लोग का 8 ना एक ही टर्म के नीचे है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अच्छा लगे तो तुम लोग दोनों टर्म्स के नीचे 8 लाओगे। यहाँ पे y के नीचे कुछ नहीं है, 1 होगा। यहाँ पे दो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमने चीज सीखी है कि उसके नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, 8 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आपका बन जाएगा 8y माइनस 3, और नीचे क्योंकि हमारा नंबर सेम हो गया होगा तो उसको एक दफ़ा लिख दो, तो x की वैल्यू हमारी ये आती है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ पे आ जाओ। y इक्वल्स टू x प्लस 3 डिवाइड बाई 8, सेम यही वाला क्वेश्चन है, लेकिन अब अप्रोच हमारी डिफरेंट होगी। यहाँ पे अप्रोच हमारी क्या थी, पूरी टर्म को शिफ्ट कर देना। अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करेंगे, लेकिन अब हमारी अप्रोच क्या होगी, एलसीएम लेना। क्वेश्चन को मैं फिर से देख रहा हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा यार, ये सेम क्वेश्चन लिखा है मैंने, लेकिन अब ना हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एक्स के नीचे 1 है, तो हमने 8 लाना है ना, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, तो ये आपका बना y इक्वल्स टू 8x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8। अब देखो 8 जो है ना ऊपर हर टर्म के साथ डिवाइड हो रहा है, तो अब मैं इसे 8 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 8y इक्वल्स टू 8x प्लस 3। अब हमारे वेरिएबल के साथ एक टर्म ऐड हो रही है, तो हम लोग इसको दूसरी साइड पे भेजेंगे पहले। 8y माइनस 3 इक्वल्स टू 8x। ये गलती कभी ना करना कि अगर तुम्हारे वेरिएबल के साथ कोई टर्म ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, और तुम मल्टीप्लाई वाली चीज़ को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। स्टेप तुम लोगों ने वही करना है, पहले मल्टीप्लाई वाली चीज़ों को हटाओ, ब्रैकेट वाली चीज़ों को हटाओगे, फिर तुम लोग डिनोमिनेटर वाली चीज़ों को हटाओगे, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली चीज़ों को हटाओगे, और लास्ट में मल्टीप्लाई वाली चीज़ों को हटाओगे। तो 8y माइनस 3 इक्वल्स टू 8x, और 8 यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 8y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू x। यहाँ पे x मेरा अकलौता भी है, पॉजिटिव भी है और न्यूमरेटर में भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। आंसर देख लो हमारे सेम है, 8y माइनस 3/8, 8y माइनस 3/8। जैसे यहाँ 8y माइनस 3 डिवाइड बाई 8 है ना, तो वो एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे, किस तरह से, 8y माइनस 3 डिवाइड बाई 8। ये चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पे 8 जो था ना, ये आपकी ऊपर दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड हो रहा था। तो हम लोग अगर इसको एक लाइन में लिखना चाहें ना, तो हम लोग लिखेंगे 8y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू x।
अब ये ब्रैकेट में लगा है ना, तो इसका मतलब है कि 8 आपका 8y के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 3 के साथ भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल y माइनस 3 ओवर 8 इक्वल्स टू x, इसको तुम लोग लिख सकते थे y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू x, क्योंकि यहाँ पे 8 सिर्फ और सिर्फ 3 के साथ डिवाइड हो रहा था, तो हम लोगों को ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये काम करना ही नहीं कि दो लाइनों को एक लाइन में लिखने की कोशिश करो, लेकिन अगर फिर भी करना चाहो तो इस तरीके से करना। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सर, अगर हमारे पास सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव चार्ज हो तो उसे फिर हम मल्टीप्लाई बाय माइनस करके पॉजिटिव कर सकते हैं दोनों साइड्स पे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी उस तरह के शायद क्वेश्चंस आएंगे हमारे, तो तुम्हें उसमें और बेहतर समझ आ जाएगा। अच्छा जी, 4g-w = 5w-3। 1 मिनट, यहाँ पे एक गलती है, और गलती ये है कि यहाँ पे हमने w नहीं x लिखना है, ये g-x और 5x। देखो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि हम लोग ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे आपका ब्रैकेट एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले ब्रैकेट को ख़त्म करो। 4 जो है ना, ये 4 आपका g से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 आपका x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसके लिए करेंगे क्या, 4 मल्टीप्लाई बाय g 4g-4 मल्टीप्लाई बाय x-4x इक्वल्स टू 5x-3। अब देखो यार, इस क्वेश्चन में ना हमारा डिनोमिनेटर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x वाली टर्म्स को यानी 5x को और -4x को किसी एक साइड पे ले आएंगे, या तो राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे, और नॉन x टर्म्स को दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो मैं ये कर रहा हूँ कि 5x जो इधर पॉजिटिव था ना, इसको मैं दूसरी साइड पे भेज रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव 5x जो है, ये हो जाएगा -5x, और ये वाली टर्म मैं लिख रहा हूँ -4x वाली इसके नीचे इक्वल्स टू। अच्छा देखो, दूसरी साइड के इक्वेशन पे ना -3 पहले से लिखा हुआ था, तो इक्वल्स टू -3, और मैं इधर से 4g दूसरी साइड पे भेज रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4g पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे जाके -4g हो जाएगा। अब देखो, -5x-4x, -5 + 5 + 4 = 9, तो 9x आंसर आया, लेकिन माइनस में, इक्वल्स टू -3 - 4g। अब देखो यहाँ पे ना, अभी जो आपका सब्जेक्ट है -9 के साथ लगा हुआ है, यानी ये नेगेटिव है, तो हम लोग ऐसे केस में पता है करेंगे क्या, इस पूरे -9 को उठा के इधर ले जाएंगे साइन के साथ, तो ये आपका हो जाएगा x = -3 - 4g/-9। अब एक चीज याद रख लो, यहाँ पे भले एक्स सब्जेक्ट बन गया हो, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। सॉल्व क्यों नहीं हुआ है, मैथमेटिशियंस को ना डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस का साइन नहीं पसंद। तो तुम लोग पता है करते क्या हो, जब भी आपका कोई फ्रैक्शन माइनस के साइन से डिवाइड हो रहा हो ना, तो ऊपर न्यूमरेटर के साइन फ्लिप कर दो, अगर माइनस है प्लस कर दो, अगर प्लस है तो माइनस कर दो। तो यहाँ पे हमारा माइनस था, इधर भी माइनस था, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 4g, और नीचे आपका रह जाएगा 9। ये चीज लाजमी करना, यहाँ पे छोड़ोगे तो एग्जामिनर की हट भी सकती है, सीधी बात है। अच्छा जी, आगे आते हैं, 4x/3, ये करा है क्यों हमने माइनस से या प्लस में? क्योंकि हमारा नीचे ना नीचे माइनस आ रहा था, और मैथ्स वाले लोगों को नीचे माइनस पसंद नहीं है, तो हमने माइनस का साइन हटाने के लिए ऊपर न्यूमरेटर के साइन फ्लिप कर दिए। ठीक तो अगर है, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन साइड पे दे रहा हूँ, इधर -3 - 4g/-9 था ना, तो कॉमन लेने के कॉन्सेप्ट से तुम लोग यूज टू हो गए। अगर हम ऊपर माइनस कॉमन ले लें, माइनस अगर कॉमन लें, तो 3 + 4g हो जाएगा, क्योंकि -+ -3g और -+ -4g, और नीचे आपका क्या था, -9, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है, तो आपका हो जाता है 3 + 4g/9। लेकिन ये वर्किंग हम दिखाते नहीं है, हम लोग करते क्या है, हम लोग सिंपली नीचे वाला माइनस का साइन हटा देते हैं, और ऊपर जो माइनस होता है उसको प्लस कर देते हैं, और अगर कोई प्लस होता तो उसको माइनस कर देते हैं, इस तरीके से करते हैं। सही अच्छा है। जी, आगे चलते हैं, 4x/3 + 2t, यहाँ पे एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, हर क्वेश्चन में एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। अब देखो, ये डिवाइडेड बाय 3 जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 4x के साथ हो रहा है, तो 4x/3 + 2t = 0। यार एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, और यहाँ पे आपका 3 सिर्फ और सिर्फ
एक टर्म के नीचे, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग ना शिफ्टिंग वाला मेथड देख अप्लाई करते हैं, इस 2t को दूसरी साइड पे भेज देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4x/3। इधर 2t पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे जाके -2t। अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर एग्जिस्ट कर रहा है, और ये इधर डिवाइड हो रहा है 4x के साथ, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4x = -2t/3। इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 2 × 3 हो जाएगा 6, 60 इसका आंसर आएगा, और इधर है आपका 4x, 4x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके तुम लोग डिवाइड कर दोगे, तो -60/4, इसका फर्दर तुम्हारा आंसर आ जाएगा x = -3t/2। बेसिकली हमने सिंप्लीफाई किया, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब पेपर में जो तुम लोग का सवाल आएगा ना, वो मोर और लेस इस तरह का आ रहा होता है, इसमें 1x इधर होगा ऊपर, 1x नीचे होगा, इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पे 4x + 8 ऊपर सारी टर्म्स के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग इसको वाई के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए भेज सकते हैं, तो ये आपका बनेगा, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, हाँ ये आपका बनेगा वाई, और ब्रैकेट में तुम लोग लिखोगे 4x + 8 = 2x + 4। अब देखो ये वाई जो है ना, ये 4x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाई 8 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका बन जाएगा 4xy + 8y = 2x + 4। अब देखो मसला पता है क्या है, 1x इधर आ रहे हैं, 1x इधर आ रहे हैं, तो तुम लोगों ने करना क्या है, इसको ना एक जगह पे ले आओ, 4xy के साथ तुम लोग +2x को इधर लाके -2x कर दोगे, और ये +8y को दूसरी साइड पे भेजोगे, तो बन जाएगा -8y + 4। अब x को सब्जेक्ट बनाता है ना, इधर भी x है, इधर भी x है, x कॉमन ले दो, x कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 4y - 2, और आपका इधर था -8y + 4। अच्छा जी यार, ये पूरा ब्रैकेट आपका x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरे ब्रैकेट को हम दूसरी साइड पे भेज देंगे इस पूरी चीज के साथ डिवाइड होने के लिए, तो ये आपका आंसर आएगा x = -8y + 4/4y - 2। यहाँ पे x हमारा पॉजिटिव भी है, न्यूमरेटर में भी है, और क्या है, अकलौता भी है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। मुझे एक चीज बताओ, इस 2 को और इस 4 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नहीं, नहीं इस 4y को और इस 8y को भी हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सिंप्लीफाई होने की एक शर्त है कि जिस चीज को आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल -2 को और -4 को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो, तो इन टर्म्स के साथ ना कोई और टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो -8y हो रहा है, यहाँ पे 4y इसके साथ ऐड हो रहा है, लाइकवाइज अगर हम 8y और 4y को सिंप्लीफाई करना चाहें, तो इसके साथ +4 हो रहा है, उसके साथ -2 हो रहा है, तो हम लोग इसको नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ऊपर अगर तुम लोग देखो तो कॉमन आ रहा है तुम लोग का 4, तो तुम लोग 4 कॉमन लोगे, 4 कॉमन लिया, 4 को -2y से मल्टीप्लाई करोगे तो -8y बनेगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 रहेगा, नीचे 4y - 2, तो 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 को 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो 4y बनेगा, और -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 बनेगा। अब तुम लोग इस 2 और इस 4 को सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि इस 4 के साथ भी कोई टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, इस 2 के साथ भी कोई टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ मैं, इसका आपका आंसर आएगा बाहर 2 है और -2y + 1/2y - 1। अब तुम लोग चाहो तो इस 2 को वापस इनसे मल्टीप्लाई कर दो, या तुम लोग यहाँ पे आंसर छोड़ दो, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये हमारी एक्स की वैल्यू है। अच्छा टाइम क्या हो रहा है, 8:54 यार, अगर क्लास अभी थोड़ी, हाँ ये बोलो मैं कॉपी हुई ना, बस यहीं तक छोड़ दूं, कॉमन ना लूं मैं इनको, यार, फोर को अगर भी तुम टू यहाँ को। पे छोड़ोगी ना, तो मसला पता है क्या है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो कहते हैं सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन टू इट्स फुलेस्ट, मतलब तुम लोग उसको सिंप्लीफाई जब तक करोगे जब तक वो और फर्दर ना हो सकता, अगर तुम यहाँ छोड़ दोगी ना, तुम्हारा 1 मार्क कट जाएगा सिंप्लीफाई ना करने का, इस वजह से सिंप्लीफाई करना लाजमी है। अच्छा जी, कैसा
क्वेश्चन रह गए? 3 क्वेश्चन रह गए हैं और 5 मिनट क्लास में, तो समझो अभी 10 मिनट और क्लास चलेगी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाओ यार। 1/x - 1/y इक्वल टू 1/z। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग शिफ्टिंग वाले ही मेथड लगाएंगे, क्योंकि मुझसे एलसीएम वाली बहुत लंबी लगती है। तो हम लोग सिंपली यहाँ वाई 1/y माइनस हो रहा है, हम इसको दूसरी साइड पे भेजेंगे तो हो जाएगा एड। तो 1/x = 1/z +1/y। अब देखो यहाँ पे एक्स आपका अकलौता तो है, अकलौता भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन न्यूमरेटर में नहीं है। तो अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं बना है, अभी पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। या सबसे पहले यहाँ 1 के नीचे z है, यहाँ 1 के नीचे y है, सेम चीजें नहीं है। तो हम लोग यहाँ z को y से मल्टीप्लाई करेंगे और y को z से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे करें तो ऊपर भी z हो जाएगा और यहाँ ऊपर y हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा 1/x = y + z / y z। अब देखो एक चीज बता रहा हूँ तुम लोगों को, कभी भी आपका डिनोमिनेटर में वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा हो और आपको इसको ऊपर शिफ्ट करना हो, तो एक स्टेप याद कर लो, जो इक्वेशन इक्वल टू के बाद होगी ना, नीचे नीचे वाली चीज को ऊपर भेज देना, ऊपर वाली चीज को नीचे भेज देना। इसका आंसर आएगा x = yz/y+z। इसकी लॉजिकल रीजन अगर तुम लोगों को बताऊं मैं, तो ये वाई जी इधर वाई प्लस जी के साथ डिवाइड हो रहा था, इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 × yz = ये एक्स इधर 1 के साथ डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x² / y + z। और क्योंकि एक्स को सब्जेक्ट बनाना था तो तुम लोग वाई प्लस जी को दूसरी साइड पे भेज दोगे, तो ये yz/y+z = x। ये तुम लोग का आंसर बनेगा yz + y+z, yz/y+z। तो ये वाली जो वर्किंग है ये दिखानी जरूरी नहीं होती है, फजूल का टाइम वेस्ट है। तो तुम लोग बस एक चीज याद रख लो, कभी भी डिनोमिनेटर में हो और इसको ऊपर लानो, तो इक्वेशन के बाद वाली चीज को ऊपर, नीचे वाली चीज को ऊपर और ऊपर वाली चीज को नीचे शिफ्ट करना है बस। अच्छा जी आगे चलते हैं। y = 4π√z/x। यहाँ पे x को वेरिएबल वो बनाना है, क्या कहते हैं सब्जेक्ट। देखो सबसे पहली चीज तो 4π इधर स्क्वायर रूट के साथ हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इसको हम लोग दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये बन जाएगा y/4π = √z/x। अब हमने एक तरीका सीखा था कि जब भी अंडर रूट को हटाना हो तो ये दूसरी साइड पे जाके ना स्क्वायर बन जाता है, तो ये हमारा बन जाएगा y/4π, इस पूरी चीज पे स्क्वायर है और इधर आपका z/x अकेला हो गया। अब ये स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर आपका वाई पे भी है, ये स्क्वायर आपका 4π भी है, ये स्क्वायर आपका 4π पे भी है। तो वाई पे स्क्वायर आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 पे स्क्वायर जब लगेगा तो 4 का स्क्वायर होता है, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 4 = 16 बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा 16। अच्छा एक चीज, पाई पे स्क्वायर लगेगा ना तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग इसकी जगह लिख देते हैं π² इस तरीके से = z/x। अच्छा एक मिनट, इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लूँ, y² / 16π², इसको मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा अब देखो अगेन x को सब्जेक्ट बनाना था और x हमारा नीचे था, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x को ऊपर भेज देंगे और इस पूरी चीज को शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है तो मैं तुम लोग को प्रॉपर स्टेप दिखा देता हूँ उसके, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। ये x इधर डिवाइड हो रहा है z के साथ, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 16π² इधर वाई के साथ डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y² / x = z/16π². एक्स को सब्जेक्ट बनाने है और एक्स के साथ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे भेज दो, तो x = z 16, एक मिनट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 16z/π² और नीचे आपका रह जाएगा y². अब x हमारा न्यूमरेटर में भी है, पॉजिटिव भी है और अकलौता भी है, ये हमारा एक सब्जेक्ट बन गया। लास्ट क्वेश्चन एक, -y = √x + 3/2।
यार सबसे पहली चीज़ ना, यहाँ से ब्रैकेट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो हम लोग सिंपली जो चीज़ डिवाइड हो रही है इसको दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा -2y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। फिर हमने देखा था एक साइड पे जब अंडर रूट हो और इसको दूसरी साइड पे भेजना तो ये पूरी चीज़ पे स्क्वायर लग जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट -2y का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। एक चीज़ याद रखना, जब भी अंडर रूट हटाओगे तो जब स्क्वायर करना हो ना, सिर्फ ये इस तरह नहीं करना कि वाई पे स्क्वायर लगा दो, तुम लोग ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाओगे तो जाके तुम लोग का सही होगा। ये स्क्वायर -2 पे भी है, ये स्क्वायर वाई पे भी है। इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, -2 पे भी स्क्वायर है, वाई पे भी स्क्वायर है इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। अच्छा यार, -2 पे स्क्वायर का मतलब पता है क्या, कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 दो दफा हो रहा है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, तो बेसिकली -2 का स्क्वायर आता है 4। वाई पे स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रहेगा इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। एक्स को सब्जेक्ट बनाने और एक्स के साथ ये चीज ऐड हो रही है, प्लस 3 को दूसरी साइड पे भेजो तो 4y² -3 इक्वल्स टू एक्स। ये इसका आंसर आएगा। तो ये -3 क्यों हुआ? यार क्योंकि देखो यहाँ पे ना +3 था और इसको हमने इक्वेशन की दूसरी साइड पे भेजा तो इस वजह से -3 हो गया। ओके ठीक है, अच्छा जी,